हेलो। आगे एक टाइप की प्रोसेस और देखते हैं और उसको करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आइसोकोरिक प्रोसेस, और ये जो आपका कितना हो गया आज का चौथा वीडियो शायद, उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ आइसोबारिक प्रोसेस, है ना। आइसोबारिक प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। मार्क किधर? देखो चलो देखो, आइसोबारिक प्रोसेस विजिबल है ना, लिखा है वो विजिबल नहीं है। चलो करते हैं विजिबल, मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा। आइसो बारिक प्रोसेस अभी 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 है, ठीक है। पहले वाला भी है थोड़ा थोड़ा, और अभी भी है, ठीक है। देखो जो आइसोबारिक प्रोसेस है, अगर उसकी बात करें तो आइसोबारिक प्रोसेस आपका होता है ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर बार कांस्टेंट रहे। और बार है वो वैसे तो ग्रीक का ही एक वर्ड है, जिसके अंदर बार का मीन होता है प्रेशर, कोई चीज़ पे प्रेशर डालना है ना। और वैसे बार है वो प्रेशर की एक यूनिट भी है, ठीक है। जो ग्रीक माइथोलॉजी है वहीं से ये यूनिट भी डिराइव हुई है। तो बार है वो एक यूनिट भी है, और एक 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 क्या बोले ये भी है, क्या ग्रीक का वर्ड भी है ना, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज रिमेन कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। कर लोगे? अब अगर बात करें और तो इसमें कुछ है ही नहीं। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, ऑल एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रोसेस। एटमोस्फेयर के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है, बारिश होना, गर्मी सर्दी विंटर समर, मतलब गर्मी सर्दी बसंत सर्द ऋतु एट्सेट्रा, जो भी मतलब जितने भी चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, वो सारे किसके कारण होते हैं? वो सारे होते हैं आइसोबारिक प्रोसेस के कारण, ठीक है। तो आइसोबारिक प्रोसेस है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रेशर है वो कॉन्स्टेंट बना रहता है, ठीक है। और अगर हम लेबोरेटरी के अंदर कोई काम करें और वहाँ अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट बना हुआ है तो उसको बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। देखो बहुत काम होते हैं आइसोबारिक प्रोसेस पे, जैसे अगर आप डेंटिस्ट पे अपनी अपना अपना डेंटल फीलिंग करवाने जाते हो, ठीक है, दांत है उसको जाड़ बनाने जाते हो, है ना। तो उस टाइम उसके पास एक मशीन होती है जिससे वो फीलिंग करता है, उस मशीन का वो प्रेशर है वो मेंटेन करता है, तो उससे फीलिंग जब वो करता है तो प्रेशर एकदम कॉन्स्टेंट रखता है। और वो भी एक कौन सी टाइप की प्रोसेस है? वो भी एक है आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन पूछते हैं सबसे ज़्यादा, कि वर्क डन कितना होगा। वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, अगर प्रोसेस की वर्क डन की बात करें आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर, तो वो वर्क डन आपका, देखो वर्क डन आपको पता है कितना होता है, dW इज इक्वल टू PdV V1 से V2। अब देखो यहाँ जो P है वो कॉन्स्टेंट है तो नहीं, बट अब कांस्टेंट हो गया क्योंकि ये प्रोसेस ही कौन सी है, ये प्रोसेस ही है आइसोबारिक। इसका फीचर है ये कि इसके अंदर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। और आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, ठीक है ना। पढ़ी तो जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब पढ़ लोगे, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। और अंदर बच गया V1 से V2। अब इंटीग्रेशन अगर आप पढ़ोगे तब पढ़ोगे dV का होता है V, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2। तो W आपका कितना आ गया, P V2 माइनस V1, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क, ठीक है। तो आपको वर्क का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। वर्क का जो फॉर्मूला है वो आपका कितना होता है, वो आपका होता है PV2 माइनस V1, क्लियर, ठीक है। और आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर आपको कुछ नहीं पूछेगा, हीट पूछ लेगा,
तो हीट आपकी फिर क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल टू W प्लस में डेल्टा U। वैल्यू रख दो अभी, Q की जगह Q, डेल्टा U की जगह डेल्टा U और W की जगह पी वी टू माइनस। तो डेट इज द फॉर्मूला ऑफ। और अगर बात करें तो और आपको क्या पूछ सकता है आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर, हाँ और आपको करो पूछ सकता है आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर। तो देखो अब आप करो खींच सकते हो, मैं कुछ भी बोल दूं, अब देखो विजिएबल है नहीं, बार बार नहीं देखने जाऊंगा, यहाँ पी है यहाँ भी, ठीक है वाई एक्सिस पे पी है वाई यहाँ भी है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो कोई स्पेसिफिक प्रेशर ले लो और इसको क्या बनाए रखो, कॉन्स्टेंट बनाए रखो, है ना। और अगर आपको और कोई ग्राफ दे दे पी टी करो तो भी इसको कॉन्स्टेंट बनाए रखो बस, ठीक है। और अगर वो आपको वी टी कर्व दे दे तो वही बात, एक सीधी क्या खींच दो, लाइन खींच दो। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, यू हैव टू डू इट वेरी वेरी केयरफुली, है ना। तो ये आपको करना है, ये आपका होता है आइसोबारिक प्रोसेस। एक बार इसको अच्छे से देखो और फिर उसके बाद आगे करते हैं जो भी हमें करना है। एक प्रोसेस मैं और बता जाऊँगा इसके अंदर आपको, उसके बाद में इस वीडियो का इति श्री करते हैं, है ना श्री, ठीक है करते हैं। देखो आगे एक चीज और, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जितने प्रोसेस होते हैं ना वो सारे आइसोबारिक होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेशर है वो बना रहता है उतना ही, उससे अगर कम ज़्यादा प्रेशर होता है फिर वो एक टाइप की डिसफंक्शनिंग है, डिजीज़ है वो, ठीक है। हाई बीपी, लो बीपी, बीपी का मतलब ये ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर है वो आपका एक कांस्टेंट रहना चाहिए 120/80, अगर उससे कम ज़्यादा कुछ अगर रहता है तो दैट इज़ ए कंसर्न, है ना, फिर वो कंसर्न है। तो वो भी एक क्या आपका है, वो भी आपका है आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक। तो और अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो नहीं, और एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा, ठीक है, दो एग्जाम्पल बहुत है, कर लेना। ठीक है एक चीज़ और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर है ना जो ये आप अब 11th में पढ़ रहे हो, ठीक बात है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, आपका जो ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर है बीएससी सेकेंड ईयर, उसके अंदर ये डिटो है, ठीक है, मतलब पूरा चैप्टर जो 11th का है पूरा का पूरा सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो जो कॉलेज स्टैंडर्ड वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे, है नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। एक टॉपिक है आइडियल गैस का प्रेशर, वो भी एक्स्ट्रा नहीं है, उनके वो टॉपिक थर्मोडाइनमिक्स में है, आपके वो टॉपिक केटीजी में, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सेम टू सेम डिटो चैप्टर है। अगर आपके कोई एक्वेंटेंस में हो, मतलब परिचित आदमी आपका कोई हो जिसको इससे फ़ायदा मिले तो उसको बोल सकते हो आपकी थर्मोडाइनमिक्स है वो कर लो यहाँ से, ठीक है। एनीवे आगे अब देखते हैं, नेक्स्ट मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ जिसको बोलते हैं, चलो एक काम करते हैं, इस वीडियो को एंड अप करते हैं, मैं आपको हाथों हाथ नई वीडियो चालू करके उसमें बताता हूँ।